कच्ची लिए होंगे तब ना गिर रहे हैं। आप ऐसा बात करते हैं ना, हम जानते हैं उसके बाद तो पूछ रहे हैं। दर्द कर रहा है, ठंडा से दर्द करने लगता है बदन में। समझे क्या नहीं लगाएंगे कहाँ, आपको बोल रहे हैं कुछ नहीं देशमुख का मिस्टर मम्मी जो पापा है वो मम्मी बनता है। इसमें आपका नाम कहाँ है? आईएमडी टीवी हम है। अच्छा, 2.1 आईएमडीबी बना इतना खड़ा है। आईएमडीबी में किसका रेटिंग है? सर मिस्टर मम्मी का रेटिंग ओनली इतना ही रेटिंग है, 5 नहीं मिला। लगता है पूरा ठंडा भर आपका ऐसे ही रहेगा। घर बता दिया, घर गर्म रहता है, ठंडा में ठंडा रहता है। ये तो जाहिर से बात है, सब घर में ऐसे ही नहीं, ज्यादा ठंडा है उधर और लोग घर के अपेक्षा मेरा ज्यादा ठंडा है। यहाँ का सब गंदा जो है पूरा पानी ना यहाँ पर तालाब जैसा हो गया है, उसकी वजह से यही पर सीधे ठंडा पाला आता है। तो अभी सूखा हुआ है? कहाँ सूखा है न, जगह देखिए, आप जगह देखिए अंदर घास उगा हुआ है, सूखा हुआ है। बाहर हुआ तो नहीं होंगे ऐसे, 10 हुआ तो काम तो नहीं किए हैं। काम हो गया है, किए थे ना, किए हैं। मेरा मोड़ा दीजिए, बैठेंगे हम खाएंगे। क्या चीज मोड़ा पे जिसमें बैठे हैं? ये आपको चाहिए? अभी नहीं मर रहा है, खाना खाए। हाँ आपका मन घर नहीं मर रहा है? क्यों ऐसे ऐसे घर कुछ मन होगा, कुछ बात होगा, बताइए। नहीं कुछ बात नहीं, एकदम मन नहीं कर रहा, हिले ना हमको, आवाज करनी हो बहुत गला खाती है सब लग रहा है। ओ आप बोला हम चाहते, ओ उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं? इसका आयुष वाला? हाँ आप बताएंगे, टैबलेट तो हम खा रहे हैं और उस चूर्ण भी खा रहे हैं हम। आपको उसी टाइम हमको बताने चाहे, ये वाला काढ़ा बना के पीना है, उसको 3 टाइम खाना है ना, खाना के बाद। हम सुन लिए थे कहाँ से, जब वो बता रहे थे आपको। तो उसमें कोई फर्क? बहुत फर्क है, फर्क है सही में, बहुत फर्क है। मतलब अंग्रेजी दवाई फिर हमको बोले थे मेरे, ये मतलब परिचित बोले कि सब हम जब खा के हार गए तो वहाँ से कोई बोला तो नहीं है। उसके बाद 3 दिन में आ रहा हमको काढ़ा तो हमने पी रहा, लेकिन इसको हम खा रहे हैं रेगुलर, बहुत खराब है। अब उसको खा रहे हैं मधु के साथ, उस चूर्ण को। ₹50 ना? हाँ।
क्या चीज कर दीजिएगा 50 रुपए और 50 रुपए होने दीजिए ज्योति जैसा। ओ सही में सब्जी अच्छा होता है। थोड़ा उधर आगे बढ़े तो बादाम ले लेंगे, है ना? नहीं बादाम, हाँ बादाम तो ले खाए भाई, रास्ता में खाते खाते आए। ठाकुर जी नहीं बुलाए थे, ठाकुर आंटी। ठाकुर आंटी मेरे बोले कि सब खाते रहते हैं। हाँ एक्चुअली मैं अभी पेपर पढ़ रहे थे ना, पेपर पढ़ रहे थे आपके अंकल, उनको दरवाजे पे अपना बालकनी में से निकल करके, तो हम सोचे अगर घुसेंगे ना आदमी कंफ्यूज हो जाता है, नहीं सोचता है अपने काम से निकला होगा, है ना? तो हम कहा किए क्या करके घुसे हैं एकदम ये की तरह सांप की तरह। क्या क्या बनाए हैं ये? महान अच्छे हैं, महान अच्छे ही हैं, उसके बीच मेरा कभी इतना झगड़ा हो सकता है? डरते हैं, खूब चिल्ला रही थी। आपसे एक बार हुआ झगड़ा, उसके बाद और किससे हुआ? हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा झगड़ा तो यही से हुआ है श्रीवास्तव आंटी, उसके जैसा झगड़ा है, उसके जैसा झगड़ा जो हुआ है और मसल देगा मेरा बेटा, मसल देगा मच्छर की तरह तुमको। कब आ रही है? उनके लिए पैसा भी जुगाड़ करके रखना होगा ना। वो तो बहुत बढ़िया से क्या रही है अभी, तो अभी कहा, अभी देखने दीजिए ना, उसके बाद अभी आने दीजिए, जब दिखाएंगे ना तो मुस्लिम से बड़ी डरती है ना। अच्छा। जब दिखाएंगे फोटुआ ना, हाँ। तब ना। कौन सा फोटो? वही जो यहाँ घुसा था, बोले कि अगर चार तला चढ़ जाता तो है आप ही क्या जा भी रहा था। हाँ आप जो हाँ खबर हो गया था कि आपका चार तला चढ़ने जा रहा है, सेक्टर 6 छोड़िए ना, ये जो पुलवा है, ये जो जूली आंटी वाला जो उधर राइट टर्न लेते हैं ना, रोड जहाँ पे लास्ट होता है वहाँ पे एक अपार्टमेंट है, समझे? वहाँ पे एक गार्ड ड्यूटी करता है नाइट में, उसको 8,000 रुपये पेमेंट मिलता है, समझे? उसको PF काट करके, बाप रे। हाँ और वही उसका क्या बोलते हैं कंपनी का नाम है ब्लैक लियोपार्ड। तो हम बोले कि सर वही जो नहीं आपको बताया कि साइकिल इलेक्ट्रिक वाला मांगे थे। अच्छा, हाँ तो बाद में हम उससे डिस्कस किए कि आप कहाँ काम करते हैं, वही हमसे पूछा क्या। हाँ। बोला कि इसी में ड्यूटी करते हैं, फ्लैट के पास वहीं पर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है अपार्टमेंट। हाँ। तो वहीं पर एजेंसी के थ्रू में है। तो हम बोले अच्छा भाई, ना ना उसके नहीं, हम बोले पेमेंट भी भाई एकदम जो है ना ये काला चिता की तरह ही है। ब्लैक लियोपार्ड PF काट करके, तो हाँ तो उसी के बगल में वो घर है, वो घर है अपार्टमेंट नहीं। हाँ तो वो घर है, उसमें जानते हैं गार्ड जो है ना, गार्ड सोया हुआ था, 1.5 लाख का वहाँ पे चोरी हुआ है। तो अपार्टमेंट में नहीं, घर में हुआ है, वो बंगलो है, डुप्लेक्स। सेक्टर 6 में जो हुआ है ऑफिसर कॉलोनी में घर है। अरे सही में से, लेकिन पता है, लेकिन घर को साफ कर दिया है। अपार्टमेंट की अपेक्षा मैं सेपरेट घर में ज्यादा चोरी होता है, इसका मतलब ना ये मतलब ये कर दिया है, क्या बोलते हैं साफ कर दिया है। अच्छा दोपहर में रोटी देता है, यही है कि लेकिन हाँ कुत्ता उत्ता पालने से डरता है क्या? कुत्ता पालने से खुश और लो कुत्ता। अच्छा
मतलब ये फायदा है तब। लेकिन मेरे घर में जैसे घुसा ना छोट लोग, तो क्या क्या कर रहा था वो लोग, पत्थर मार रहा था, कुत्ता सब तो भौंक रहा था पूरा, वही लोग जगाया, वही लोग किया अलर्ट किया, तो पत्थर फेंक रहा था, पत्थर घर तक पहुंच रहा था। तो मैं हम बोले भाई को कि तुम पूरा शरीर में कंबल लपेट लो और हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहन के बाहर निकलो। सही है। कहीं भी वार होगा ना किसी से, अटैक जो हो जाता है तो वही हमको। आप ये तो छोड़िए, हम करते थे ड्यूटी वास्तविक प्रोजेक्ट 4 में, तो वहाँ पे मतलब कि एक भूताहा गली बन चुका था वो, हर रात में वहाँ राउंड करते थे हम लोग। एक गली ऐसा था जहाँ पे गली क्रॉस करते ही पूरा धमाधम धड़ाधड़ एकदम ईटा के जैसे बारिश हो रहा, हाँ ऑटोमेटिक हम देख के अच्छे मतलब। और अच्छा ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वहाँ घर उड़ था, तो वहाँ पे जैसे घाट उठ सोता था ना, घर के अंदर में कहाँ से गिरेगा ये अंदर में पत्थर उत्थर, ये ईटा उटा हम समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो एक बार क्या हुआ कि बोला सबको ये किया, सब गार्ड लो, 8 गार्ड था, चलो ये गली में सब कोई पार होते हैं मिल करके और डंडा उंडा लेके चलते हैं। तो हाँ तो सब कोई कुछ कोई मतलब कि प्रोटेक्शन नहीं लिया, लेकिन मेरे पास कंबल उम्बल था, हम पूरा शरीर को ऊपर से तक लपेट लिए। हाँ तो हमको बोल रहा ये कितना डरता है, कितना डरता है। हम लोग जैसे क्रॉस किए धड़ाधड़ धड़ाधड़ शुरू हो गया, अब सोच लो, सोचो अब हो गया ना, अब हम डर रहे थे इसीलिए ना। मतलब कभी कभी डर आदमी को इंसान को गलत होने से बचाता है। सही में आप अपने आप से देखे हैं? हाँ बाप रे बाप, अभी तक वहाँ का रहस्य जान नहीं पाए हम लोग। और एक चीज़ था, और एक चीज़ था कि रात में 1:30 बजे एक वहाँ पे स्विफ्ट खड़ा रहता था, स्विफ्ट गाड़ी का गाड़ी गाड़ी किसी के खड़ा रहता था, तो उसका हेडलाइट आगे वाला ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट करता था, कभी बंद हो रहा है फिर अपने आप जल रहा है, बंद हो रहा है। बोला ऐसा कैसे हो रहा है, देख लो हम रिकॉर्ड भी किए थे गाड़ी का लाइट। मजदूरों के साथ कैसे उसी लोग आत्मा भटक रहा है, वो ऐसा होता है बहुत बहुत रहस्य से पता भी नहीं चल पाता है। ब्रिज बनता है ना, ब्रिज हम सुने बाप रे बाप। काम करते हुए कोई गिर जाता है, मर जाता है, बलि चढ़ाया जाता है, तो वो तो सुने हैं बलि चढ़ाया जाता है, वो तो अंधविश्वास है। नहीं पता नहीं क्या है लेकिन चढ़ाया जाता है ना बाप रे बाप। तो किसको चढ़ाया है बाप, मजदूर लोग चढ़ाया जाता है जो जाते हैं बाहर से काम करने, उनका कौन जाएगा पता करने। अच्छा मार गया। और खबर मिलता है कि लौटा ही नहीं घर, बस इतना ही, बस मेरा पिताजी चाहे हस्बैंड काम करने बाहर निकले और घर नहीं लौटे। दोबारा से हम उसका फोटो लिए थे, देख लिए दोबारा दिखा था हमको। ओ ये दिख रहा था चुहार है, एकदम चुहार दिख रहा है, वो पक्का चुहार बोलता है सब सारा कि नमाजी है। अभी राखी सावन का चल रहा है ना, हो गया ब्याह से। अच्छा जैसे कि मान लीजिए विदेश में कोई काम करने जाता है तो उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? विदेश में तो सब बेचा जाता है, है? बेचा जाता है हाँ, लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा। नहीं नहीं जैसे कोई हस्बैंड कोई नहीं है, मेल वगैरह आदमी मेल सर। नहीं नहीं मेल कोई पुरुष अगर जाता है वहाँ पे, हाँ तो सही तरीके से गया है तो ठीक है, नहीं तो गलत जाके ट्रैफिकिंग होता है तो मतलब उसमें किडनी और ये निकाला जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग। बाप रे, उन लोगों की किडनी निकाल लेता है, किडनी आँख लीवर हार्ट निकाल करके फिर बेचा जाता है। अब फिर भी जिंदा रहता है? नहीं वो लोग मर जाता है, मार दिया जाता है, कैसे जिंदा रहेगा। उन लोगों को इसीलिए बेचा जाता है कि क्या बोलते हैं सब निकाला जा सके।
तो अभी तो कितना अपना देश में रहे, अपना जगह पर रहे, इंसान जिंदा रहे, तो कितना आदमी तो कितना आदमी तो अभी कर रहा है वो काम, तो सही तरीके से गया तो सही है। मतलब कि वो कितना आप तो देखे होंगे कि ज्योति के दो बहन हैं, ज्योति के हाँ दोनों के हस्बैंड बाहर काम करते हैं, सब आउट ऑफ ही है देश के हाँ दुबई में और हाँ अरब में वही से ना आया है हर स्मार्ट गाड़ी वहाँ तो वो लोग कर रहा है ठीक ठाक है चल रहा है तो सही तरीके से लोग जाता ही है। अच्छा। लेकिन अगर उस जाल में फंस गया गलत चला गया गलत लोग के संपर्क में गलत लोग के संपर्क में यही होता है कि आदमी मतलब कि पहचाने कैसे पहचाने कैसे कौन गलत है सही ये रजिस्टर्ड कंपनी हो तो भेज रही हो फ्रॉड के दलाल जैसे हो गया उसके माध्यम से नहीं जाना चाहिए वो तो आपको नौकरी तो देगा नहीं प्लस उल्टा आपका जान पता नहीं जान भी बचेगा कि नहीं बचेगा उसको कोई बात नहीं अच्छा सिंगापुर तो एक सेफ प्लेस है सिंगापुर ना हाँ तो वहाँ से तो इस तरह का घटना है बहुत ज्यादा वहाँ भी होता है वो तो सेफ प्लेस होने के बावजूद सेफ प्लेस है तो गलत लोगों का बिजनेस दोनों साथ में परस्पर चलता है गलत लोगों का बिजनेस भी तो फल फूलता है रशिया वगैरह इतना बहुत ज्यादा होता है कांड सब उधर भी बहुत ज्यादा बाप रे किसके बारे में कौन तो बताया था महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो यही पर हो गया वही हमको पता चला था कि ब्रिज में डाल दिया था ब्रिज बनने के पहले नहीं हुए बहुत सारा को खासतौर बच्चा लोग को बच्चा लोग को डाल दिया गया कभी कभी तो हमको लगता है नहीं बुरा, मतलब बुरा है बुरा बात है लेकिन बोलना नहीं चाहिए हाँ। लेकिन कहीं हद तक सच भी लगता है क्या मतलब अजीब है गरीब लोग उन लोगों को कम ही फर्क पड़ता है कि उसका बच्चा को क्या होगा फिर दूसरा पैदा कर लिया अच्छा सात छः को सात को आठ को बच्चा रहेगा क्या जा रहा है मतलब कि वो लोग बड़ा लोग को समझ में आ जाता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है वो लोग बच भी सकता है बच जाता है संभाल के ग्रुप में रहता है अच्छा ग्रुप में रहिएगा तो आपको नहीं ना पकड़ेगा किसको पकड़ेगा बाकी लोग चिल्लाएगा ना जी जो अकेले में होगा अंधविश्वास है क्या है पर ऐसे हैं सब हाँ ये तो बहुत सुने हैं हम लोग भी कि रेलवे ब्रिज में ज्यादा होता है ना करता कौन है जो टेंडर लेता है वही लोग अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिसमें होता है वो बहुत टिकता है कॉन्ट्रैक्टर लोग ये शुरुआत से ये प्रथा चला रहा है हम भी ये भी सुने कि हॉस्टल हॉस्पिटल और होटल बनता है कब्रिस्तान के ऊपर इसमें भी अंधविश्वास है ये सच है पता नहीं कि बहुत टिकता है जैसे कि हॉस्पिटल तो बना हुआ है कब्रिस्तान पर कौन हॉस्पिटल कौन बीजीएच ओ वहाँ मुसलमान लोग का ये था जैसे बिहार का लड़का जैसे एक आध गो है तो चैनल देखिएगा उन लोग का तो उन लोग तो देख रहे हैं कि हर कंट्री पूरा वर्ल्ड में हर कंट्री का चाहे लोग हो गया चाहे होटल हो गया घर हो गया जहाँ पे फायरिंग उरिंग चल रहा है सीरिया में जहाँ आपको पूरा घर ध्वस्त मिलेगा दिखाई देगा हर जगह खाली बुलेट ही बुलेट का मार्क निशान और हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है उन लोग के साथ जागरूक कर रहा है हाँ
बताइए, फायरिंग भी हो रहा है कहीं कहीं, फिर भी वो सब वहाँ पे जाके शूट कर रहा है। हाँ उसमें बोला कि कौन देश है, तीन वो यूट्यूबर आया था यहाँ का, उन लोग पर्दाफाश कर रहे हैं जामताड़ा वाला था, बंगाल में आ गए हैं। जामताड़ा में छोटा मोटा काम है, बंगाल में सबसे बड़ा गढ़ है। उन लोगों से पारी निकाली लिया, मरिया यह होता है उन लोगों की खबरी होता है तो पता चल गया भागा सब अपना देश। तो तीनों यूट्यूबर इंडियन ने था क्या? अच्छा सिंगापुर में तो ड्राइवर लोग जो है 1.5 लाख तो वो लोग का सैलरी वहाँ के सैलरी से हिसाब से कम है, वहाँ का सैलरी के हिसाब से कम है, लेकिन उस पैसा को यहाँ आने के बाद वैल्यू बढ़ जाता है, इसीलिए 1.5 लाख हो गया। अच्छा यहाँ वैल्यू बढ़ जाता है। हम लोग का डॉलर मिलता है तो कम है ना, डॉलर पाउंड का, हम लोग का अब 1 डॉलर अब लगभग हो गया 87 रुपया। तो अगर उसको वहाँ पर 7,000 डॉलर मिल रहा है तो 80 से गुणा कर दिया, 8×56 कितना हो गया, 56,000। अरे बाप धूप निकला निकल गया धूप। हमको बार बार हो खत्म हो, मैं कम हो कि फिर से शुरू हो जा रहा है हमको खांसी। हाँ भी लेकिन गजब है, लेकिन वास्तव में छोड़िए आप उसको खा के मतलब कि और बीमार पड़ रहे हैं। हम खाएंगे, आपको पूछ रहे हैं, आप भी मत खाइए, लाइए हम खिलाओ, गाय खिलाएंगे, गाय खिलाएंगे, लाइए आप भी मत खाइए। आप अभी ना बोलेंगे हम खाएंगे, हम नहीं बोले अपने आप खाने, बोले आप खाएंगे ना, खाएंगे ना, ना वहां से जैसे अच्छा ये मैं फॉरन में तो खुद से आदमी जो पकड़ सकता है ड्यूटी, खाना फेंकना यार कल देंगे तो जो वहाँ पे खुद से जो पकड़ता है ड्यूटी, किसी के थ्रू नहीं, किसी दलाल के थ्रू नहीं, तो खुद से जो पकड़ता है वर्क, तो वो सेफ रहता होगा। तो वहाँ खुद से जाके कैसे दीजिएगा, कोई तो माध्यम होगा तब ना, कैसे अपने अप्लाई कीजिएगा। लेकिन हाँ अगर आप गए हैं वीज़ा वगैरह बना के गए तो सबका वीज़ा अलग होता है ना, जॉब वीज़ा बनता है, टूरिस्ट वीज़ा, टूर वीज़ा अलग रहता है, जॉब वीज़ा अलग रहता है, लिविंग वीज़ा भी अलग होता होगा। हाँ कुछ दिन का रहने का वीज़ा मिलता है, पूरा खूब रोने का आवाज आता था, कोई कौन सोता है रात में, हमको सियार वहाँ बिठाया ना उनके पास, अरे बोकारो क्लब से पहले जो आता है जो दुरोडवा है जो ऊबर खबर वहाँ, अच्छा, लेकिन हमको देख के भाग भी नहीं रहा है, खड़ा था। हाँ आप साइकिल से सियार मारता है, मार देता है जान से, कहाँ जान से, वो तो छोटा जानवर है ना। हाँ कुत्ता जैसा। हाँ तो भाग नहीं रहा था ना। हम
किया रंगा हाँ सही में हम तो भिखारी स्कूल में ही पढ़े के मुताबिक रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट ककोदम खूब खा पी कर अपने शाही मान में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देख कर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। चलिए अब